नमस्कार दर्शक बंधु मु तापसी स्वागत करुछी आम कथा संस्कृति कथार आज अध्याय को। वास्तुशास्त्र वृक्ष और उद्भिद संबंध में अनेक प्रकार सूचना दी जाएगी जहाँ आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनीपे सहायक होता है। आज आम आपण को एपरी एक गच्छ विषय कहवाक जाऊ जार फूल घर को आने पर समस्त समस्या समाधान कर आमे पलाश गच्छ विषय कहूँ एवं आम आपण को कहूँ पलाश फूल को घरे रखिबार लाभ कौन। ज्योतिष माने कहिछंती जे पलाश फूल रे देवता एवं देवी बास करती यार ईश्वरीय शक्ति एवं चमत्कारता मनुष्यर समस्त समस्या दूर करी पारे। घरर सौंदर्य वृद्धि सहित यह सकारात्मक शक्ति आनी थाए। वास्तुशास्त्री अनुयायी जदि जड़े व्यक्ति आर्थिक अवस्था भल न हुए तेबे से पलाश फूल पर एक विशेष प्रतिकार नेबा उचित। पलाश फूल को एक नड़िया सहित एक धड़ा कपड़े बांधि एक ट्रेजेरी कि टंका सहित एक स्थान में रखत। यहपर तुम्हें शीघ्र आर्थिक संकट रु मुक्ति पाइब। ए उपाय ग्रहण करी घरे अर्थर अभाव दूर करें। जदि तुम्हें पलाशर ताजा फूल पाइबनी तेरे यार शुखिला फूल व्यवहार कर। देवी लक्ष्मी को पलाश फूल अर्पण करने अत्यंत शुभ बोली विवेचना कराए। शास्त्र विशेषज्ञ माने कहिछंती जे शुक्रवार दिन पलाश गच्छ को पूजा करी जल अर्पण करी मध्य व्यक्तिर प्रत्येक इच्छा पूरण हो पारिबो। एहा करिबा द्वारा शुक्रदेव प्रसन्न हुवंती एवं जड़े व्यक्ति वस्तु भोग पाइथाय। ज्योतिष माने कहिछंती जे जदि जड़े व्यक्ति दीर्घ समय धरी असुस्थ हो पड़े तेबे पलाश गच्छर चेर को एक धला सूता कपड़े बांधि तांको हातरे बांधिबा उचित। एहा प्रतिकार ग्रहण कले रोगरु मुक्ति मिलिथाय। ग्रह सहित जड़ित समस्या मध्य देखा जाय नथाय। ब्यूरो रिपोर्ट फोकस प्लस।